ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बस पहले देख ले हाँ नहीं अच्छी चीज़ होगी तो बार बार आपकी दुकान पे आएंगे ना। हाँ चले ठीक है फिर, बस जल्दी करें आने की। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। लो भाई ये काम भी मैंने कर दिया। अरे बाबा जानी, हाँ तुमसे सीमा कोई भी काम कहे ना तो उसको मना कर देना, इस तरह तो वो मेरी तनख्वाह रोक देगी, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे। अरे बाबा तुमने शादी कब की? शादी तो नहीं की बाबा, फिर बच्चे कहाँ से आए? ऐसे दिमाग में बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मना कर देना सीमा को बाबा, वो खामा खाई में ना ये फर्नीचर तब्दील करना चाहती है। जो चीज तब्दील करनी चाहिए वो तो कर नहीं रही, फर्नीचर कर रही है। तब क्या मतलब है बाबा, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है क्या? नहीं फर्नीचर फर्नीचर। अरे जानी क्या हुआ, फर्नीचर वाले से बात हुई? हाँ कॉल कर दी, बस वो आने वाले होंगे। बेगम आप बिला बजा कर खर्चा कर रही है। बिल्कुल नहीं, मुझे फर्नीचर चेंज करना है, बहुत पुराना हो गया है। आप क्या पुरानी चीजों को बदल देती है? बाबा तुम्हारा फिर इशारा मेरी तरफ है ना। अरे मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, आप खामखा अपनी तरफ ले जाते हैं, वैसे आप भी ठीक समझ रहे हैं। अच्छा जानी, फर्नीचर वाले को कह देना कि मुझे हर चीज बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा बाबा पुराने फर्नीचर का क्या करोगी? हलीम बना लेंगे, लकड़ियों का खर्चा भी बचेगा। हाँ अरे बाबा पुराने फर्नीचर की हलीम, देखो जरा बेगम को। आपकी बेगम नहीं है क्या? बकवास बंद करो, जाओ काम करो बाबा जाके। अबे जाओ बाबा, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा, जा रहे हो तुम तो तनख्वाह काटू तुम्हारी। अरे जरीना जरीना जरीना, जब देखो कुछ ना कुछ खाती रहती हो। अरे क्या हो गया भला, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सुबह से 5 मिनट पहले तो उठती हो। मेरे को ना ज्यादा टोकने की जरूरत नहीं, देख नहीं रहा मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। वैसे एक बात बताऊ, लड़कियां कमजोर ही अच्छी लगती है। जानी क्या, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो लगती हो, दिल करता दो हो। पहली शादी तो की नहीं बोला, दूसरी की तुमको पहले ही फिक्र लग गई है। छोड़ो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? जाने तुम मुझसे शादी कर लो ना, खुदकुशी हराम है वरना मैं कर लेता। अच्छा भला मुझे में कमी क्या है? कोई कमी नहीं है, वैसे मेरा आइडियल कोई और है। कौन है भला? रुकैया। वो भरी रुकैया कौन है? पिछली गली में रहती है, चीज की दुकान में बैठती है। अरे वो बावली चरी चगरी रुकैया वो। तुमने बड़ी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है। आने दो अदा बच्चों को, अभी तुम्हारी शिकायत करती, देखो तुम्हारे साथ करता क्या है वो। मैं बच्चों की सीमा मैडम से शिकायत कर दूंगा। फिर क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं है, सब खुद ही समझ जाएंगे। तू देख लेना, अल्लाह करेगा तो रुकैया का सुकैया पुकैया टुकैया कोई भी तेरे को नसीब नहीं होगी। चल इधर से बढ़ाया, मुंह उठाती आ जाती, सारा किचन का बेड़ा गर्क कर दिया, खाने की भी तमीज नहीं है। बताओ तो वह तो वह तो वह प्यारा प्यारा बच्चा है, इतना पसीने वाला बच्चा है। तुम हमको ये एड्रेस बता सकता है किधर है ये? समझ नहीं पता भाई। नहीं पता तुमको? भी नहीं पता यार, अब क्या करेगा? बैठो ना तुम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमको थोड़ा जरूरत है, एक मिनट एक मिनट। हम ये कह रहा था हमको थोड़ा मदद चाहिए, तुम हमारा मदद करेगा? पैसे कितने दोगे? पैसे मदद के पैसे कौन लेता है? हम लेते हैं। अरे तो पैसे लेना तो कोई और काम करो, मदद कहाँ करो? हम यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ एड्रेस बताने का कितना पैसा लगेगा? 1000 रुपए।
1000 रुपए नुकसान वाला नहीं लगता, तुम कैसा लोग है? अच्छा लाओ एड्रेस दिखाओ। हाँ ये लो। ओए होए होए, ये तो बहुत मुश्किल एड्रेस है। क्यों, क्या मंगो पीर में है क्या? खट्टा मीठा हाउस। चलो तुम 500 दे देना। अच्छा ठीक है, पहले हमको एड्रेस बताओ। अच्छा दो कदम पीछे हटो। हट गया। पीछे की तरफ घूमो। घूम गया। मुंडी ऊपर करो। वो सामने वाला गेट है। अच्छा ठीक है, लाओ हमको एड्रेस। अब लाओ 500 रुपए। अरे एडवांस में है ना, बाद में लिख लेना हिसाब किताब में। चलो नहीं फंसा, चलते हैं। अरे भाई आराम से आराम से। जी फरमाइए। फोन ऑफ क्या था? अरे भाई कोई गलत फहमी हो गई होगी, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। नहीं लेकिन हमारा तो फोन पर बात हुआ है। किससे? किसी आदमी से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं था। अरे हम कह रहा है कि वो आदमी था, तुम कह रहा है कि वो तुम था। तो मैं आपको आदमी नहीं लग रहा? नहीं तुम ऊपर से हमको आदमी लग रहा है, लेकिन तुम्हारा लहजे में थोड़ी लचक है। बकवास बंद करो, काम बताओ। अब तुम हमको मर्दाना लगा है, हम फर्नीचर वाला है। ओ अच्छा, आप फर्नीचर वाले हो? तो आप क्या समझे था? हम भूसे टुकड़े वाले हैं का? ओ नहीं नहीं नहीं, आपने इतने को अमीरों वाले कपड़े पहने हुए थे ना, इसलिए था। हाँ तो फर्नीचर वाला बहुत अमीर होता है, पूरा पाकिस्तान का लड़कियों का जब शादी होता है तो जहेज का सामान हमारे दुकान से जाता है। तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? हमारा तो मॉल जाता है। तो आइए अंदर चले। ठीक है, लेकिन हमारा वक्त जाया नहीं करने का। अरे भाई जो काम बताया आपको वो करें, आइए। अच्छा ठीक है, एक बात है। क्या? आपका लहजे में थोड़ी लचक है। अभी पिटोगे या ठहर के? ठहर के ठीक रहेगा। चले आइए। अरे बाबा सीमा, तुम बिना वजह ना खर्चा कर रही हो। घर की हालत देखो, सारा फर्नीचर पुराना हो गया है, दीमक लग गई हर एक चीज में, और फिर नादिया ने भी फर्नीचर चेंज कर लिया है। अरे बाबा तुम औरतों का यही मसला है, किसी की आंखों से देख ली तो शौहर की शामत आ जाए। मास्टर साहब, ये मास्टर साहब को ले आया सीमा मैडम। मास्टर साहब? लेकिन मैंने तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना। अरे हम वो वाला मास्टर नहीं है, हम फर्नीचर का मास्टर है। अच्छा अच्छा, मास्टर साहब आप यूसुफ को ट्यूशन पढ़ाते हो ना? तुम तो चुप करो। मास्टर साहब ये फर्नीचर देकर हमें नया फर्नीचर लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो खत्म है सोफा। तो आप कौन से सेहतमंद हो, आप ही तो खत्म हो। अच्छा छोड़ो, घर में और क्या क्या सामान है? बाबा एक दांत मांजने वाला ब्रश है, एक टूटी हुई साबुनदानी है, और 3-4 सलवार कमीज है बाबा। बाबा तुम हमको क्या समझ रहा है, हम पुराना कपड़ा लेकर नया बर्तन देने वाला नहीं है, हम फर्नीचर का मास्टर है। मास्टर साहब आप ये फर्नीचर देख ले, हमें ये देकर नया फर्नीचर लेना है। अच्छा ठीक है, आप हमें ये बताओ आपका रेंज कितना है? पूरे 1700 रुपए। तो 1700 रुपए? अरे आपको फर्नीचर देखना है या खरीदना है? आप फर्नीचर दिखाने के भी पैसे लेते हैं? अच्छा जो भी है ये बताओ तुम कौन हो? मैं तो यहाँ मालिक नंबर नौकर। जो भी हो तुम्हारे लचक है थोड़ी। चलो खैर ये सब बातें छोड़ें, मास्टर साहब आप चल के पूरे घर का फर्नीचर देख लें और फिर हमें बताएं कि हमें क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर आप हमें सारा फर्नीचर जो दिखाओ। आए मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए। आइए आप भी चलेंगे? नहीं बाबा आप बताओ। आइए आइए, चलो बाबा चलो चलो। यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर क्या झांक रहे हो? इधर आओ। चलते अंदर। आंटी ऊपर पतंग आई है, पतंग देना। आने दो बला, तुम्हें क्या मसला है? और ये तुमने आंटी किसको कहा? अच्छा बाजी। बाजी? अरे 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 तुम मेरे से रिश्तेदारी बना रहे हो? अच्छा खाला। अभी मैंने तुमको क्या बताया? आंटी ऊपर मेरी पतंग है। तुम्हें पता है पतंग उड़ाना कितनी बुरी बात है? मैं कोई उड़ा रहा था, अब्बा उड़ा रहे थे, उनकी पतंग काट दी। किसने? अम्मी ने। अम्मी ने? अम्मी क्या भला तुम्हारी पतंग उड़ाती हैं? नहीं अम्मी ने तो सिर्फ आवाज लगाई थी, डर के मारे अब्बा की डोर टूट गई और पतंग हाथ से छूट गई। अच्छा चलो जाओ, कोई पतंग शतंग नहीं है। दे देना आंटी प्लीज। नहीं बाबा कोई जरूरत नहीं है, तुमको पता है पतंग उड़ाने से इंसान का हाथ भी कट जाता है और पतंग उड़ाना बहुत बुरी बात है। तुम्हारे बड़ों ने तुम लोगों को समझाया नहीं है? आंटी हम शर्मिंदा हैं, आइंदा नहीं उड़ाएंगे। शाबाश तुम दोनों कितने अच्छे हो, तुम लोगों ने मेरी बात मानी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ पैसे देती हूँ, तुम इन पैसों से पतंग नहीं लेना, एक किताब लेना और उस किताब का नाम है मौत का मंजर, और उस किताब को अपने अब्बू को देना कि वो पढ़े ताकि उसको पता चले कि मौत का मंजर होता क्या है। ठीक है शाबाश। चलो शाबाश, इधर आओ, एक पप्पी दे दो। थैंक यू, आ जाओ जाओ शाबाश।
ये तो कितने प्यारे बच्चे हैं। आजकल के बच्चे कहीं कहीं थोड़े से अच्छे हैं। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आजा 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 बाबा आजा। अच्छा ये सब है। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। सब देखेगा ऐसा फिकर का बात नहीं है। हाँ, बाबा, सब हाँ। देखेगा ये क्या है? ये बेड भी, सोफा भी, सब ये सब देखना है। ओहो ये सब आपका है? हाँ बाबा हमारा है। हाय 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 जी हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, ये आप लोगों का जो बेडरूम सेट है, यानी कि ये जो बिस्तर है और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, किराए पे तो नहीं देते आप लोग? नहीं बाबा, किराए पे तो नहीं देते, लेकिन आइडिया अच्छा है। मास्टर साहब, हमें ये सारा सामान बेचना है, बिक जाएगा ना? हाँ बिक तो जाएगा। अच्छे पैसों में बाबा? नहीं नहीं, ये सब कचरे में जाएगा। कचरे में बाबा? अब लेकिन पूरे घर का फर्नीचर चेंज करने में खर्चा कितना आ जाएगा? भाई अगर कम करा के भी कोई सारा फर्नीचर बदलता है तो 5 लाख रुपए लगेगा। अरे बाबा 5 लाख रुपए? इतने पैसे तो नहीं है बाबा हमारे पास। देखो हमने पहले कहा था, हमारा वक्त बर्बाद नहीं करो, हमारा रेट बुथाई होता है। लेकिन मास्टर साहब 5 लाख तो फिर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ना करो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो ना, हम तुमको एक मशवरा देता है, परेशान मत होना। तुम एक काम करो, अपना जो जेवर है वो सुनार को बेच दो, फिर उसे पैसा आ जाएगा। हाँ बाबा ये बात ठीक है, सुनार को फोन करो बाबा। हाँ तो जब तक तुम लोग अपना जो तकियों के में छुपा हुआ जेवर है वो तलाश करो, हम बाहर लॉन में जाते हैं, थोड़ा हवा खाएगा। ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है जाओ। जेवर बेचना पड़ेगा फर्नीचर। मैं नहीं बेच रही जेवर वेवर। अरे तो बाबा तुम्हें शौक है ना ये फर्नीचर चेंज करने का, तो करो। तुम बाबा साहब को फोन करो, अपनी भैंसे बेच दो ना 4-5। अरे बाबा क्या बात करता है, भैंसे तोबा तोबा तोबा, अपने पापा जानी को करो बाबा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बेचूंगी जेवर, अब पैसे तुम दो ना, तुम्हारा भी तो घर है। नहीं बाबा तुम्हारा शौक है, हम नहीं देते पैसे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जेवर बेचूंगी। क्यों बेच दूं जेवर मैं अपना? ये क्या बात है? अरे बाबा किधर चला गया, छत पे भी नहीं है, ये पतंग कहाँ रह गई भला? Excuse me, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको बताना जरूरी नहीं है। आपको नाम जरीना है ना, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। अच्छा तो फिर आप भी रख लो। अच्छा ये बताइए कि हम आपको दिखने में कैसा लग रहा है? बहुत ही बेसुर है, मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा मुंह है ना वो बिल्कुल कुर्सी जैसा, और ये जो सूखी सूखी टांगे है ना ये पाए जैसी, और ये जो तुम्हारा इतना बड़ा सर है ना ये हमारे घर में जो साइड टेबल है ना उस जैसा। बस बस बस, हमारा जो नरम दिल है ना वो आपको देख के बहुत धक 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 कर रहा है। आपका मोबाइल जो रखा हुआ है ना वो वाइब्रेट 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 कर रहा है। मोबाइल से याद आया, आप अपना मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। क्यों? अब वो हम उसमें रोजाना रात को 20 रुपए का इसी नोट डालेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं जो ना लाइन वाला मोबाइल यूज करती हूँ। अच्छा लाइन है तो फिर थोड़ी सी लाइन हमको भी दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, समझे तुम, इस लाइन में लगने के लिए ना बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए, अपनी औकात में रहो, फर्नीचर का काम करने के लिए फर्नीचर का काम करो, ज्यादा मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना के आंखों में लगा लूंगी, बड़ा या नंबर लेगा मेरा, मोचड़े मार मार के तेरा कीमा बना दूंगी मुंह भिड़सा। तोबा तोबा, बहुत कॉन्फिडेंट बहुत है भाई। अरे बाबा जानी, ये फर्नीचर मास्टर अजीब आदमी है, मुझे मक्कार लग रहा है। अरे बच्चों भाई आप भी पता नहीं कैसे कैसे ख्याल दिल में ले आते। अरे बाबा कह रहा है पुराना फर्नीचर उठाकर कचरे में फेंक दो। बच्चों भाई बहुत बुरे लगेंगे कचरे में सोते हुए। बाबा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरे 5 लाख रुपए ऊपर से मांग रहे हैं बाबा, कुछ करो जाने। अदा ये जो फर्नीचर मास्टर है ना मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, बोल रहा है कि मेरे को लाइन दो। तो आपने कागज उठाना था और पेंसिल से लाइन खींच के दे देनी थी। अरे उस लाइन की बात नहीं कर रहा है, जो अदाबच सीमा को देता ना उसकी बात कर रहा है। अरे बाबा तोबा तोबा, मैं तो पछता रहा हूँ वो लाइन देखे, उसने कोई गलत बात तो नहीं की? नहीं, मेरे से मेरा मोबाइल नंबर मांग रहा था। चलो शुक्र है मोबाइल तो नहीं मांगा ना। अरे भला क्या हो गया आधा, मैं तुमको बता दूं ना, ये चीटर आदमी लगता है मेरे को। देखा बाबा, जरीना भी यही कह रही है। अच्छा
हाँ बाबा कुछ करो जानी उसको, चलता करो यहाँ से, खामा कहीं में खर्चा जो है ना सर पे आ रहा है। देखो अगर तुम उसको नहीं भगाओगे ना बाबा तो तनख्वाह तुम्हारी लेट हो सकती है। आप दोनों अंदर जाएं, मैं कुछ करता हूँ। हाँ बाबा करो, बाबा करो, देखो तनख्वाह का मामला है, बताना बाबा हमें। हाँ भाई ये ले मास्टर साहब चाय पिए, ऐसी अच्छी चाय बनाइए कि दिल खुश हो जाएगा। दिल तो हमारा आपको देख के पहले ही बहुत खुश हो गया था, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आई, आपको शादी में तो जल्दी क्या थी? वो मुझे कहीं जाना था। अच्छा वो कमाल है, हमारे पास सबका मोबाइल नंबर है, आपको नहीं है? मैं अपना मोबाइल नंबर आपको क्यों दूं? असल में जब हम रात में घबरा के कभी उठ जाता है ना डर के मारे, तो हमारा दिल चाहता है आप जैसा खूबसूरत लड़के से हम बात करें फोन पे। अरे मास्टर साहब, बाबा आप तो गार्डन में थे ना, यहाँ कैसे आए? चल के आया है वो, चाय पीने आया हूँ। पियो पियो चाय पियो। अच्छी है क्या बाबा चाय? हम सीमा की बात कर रहा था। अरे बाबा मेरी बीवी है। अच्छा भाई बहुत खुशकिस्मत आदमी है आप, आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली, हमें भी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? थाने में। थाने में? बाबा तुम आदमी ठीक नहीं हो, फर्नीचर डालने आए हो या डोरे डालने आए हो? आप लोगों को गलतफहमी हो रही है जरीना जी, आपकी जो शक्ल है ना वो हमारा दूसरा बीवी से बहुत मिलता है। तुमने भला कितनी शादियां की है? एक। मास्टर जी मैंने आपको यहाँ फर्नीचर सेट करने के लिए बुलाया, आप अपनी सेटिंग में लग गए। देखो कितना कमाल का बात है ना, मोबाइल फोन का भी सेटिंग होता है, हमारा नहीं है। अरे मास्टर जी एक बात बताएं बाबा, चाय पी लिए तो निकलो शाबाश। अभी बाकी है पी, मैं पार्सल कर दूंगा। आ उठ उठ यहाँ से। हाँ बाबा उठ। अच्छा बाबा। थोड़ा रह गया है। हाँ रह गया, अभी बताते हैं हम क्या रह अभी गया। है अभी बताते हैं। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। चलो ठीक है जा रहा है, निकलो आराम से, जा रहा है निकलो, चलो ठीक है जा रहा है, जा रहा है। अरे भाई यहां से आराम से, धक्का क्यों दे रहा है? धक्का आराम से नहीं दिया जाता। अच्छा ठीक है, अब हमको हाथ नहीं लगाने का। हाथ नहीं लगाने? अरे बाबा हम तो तुम्हें लात मारेगा, तुम्हारे सौदोगे तो तुम्हें हाथ नहीं लगाना। अच्छा तो तुम लोग ऐसा नहीं मानेगा, तुम जानते नहीं है हमारे बहुत सारे बदमाश दोस्त हैं। अरे बाबा धमकी दे रहे हैं? अरे पहले भी बहुत लोग आए जिन्होंने हमें धमकी दी है, सबको पीटा हुआ है। उठ निकल निकल निकल। ठीक है हम चलो जाता है, लेकिन तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा जो पुराना फर्नीचर उसको तुम क्या करेगा? आग लगा देंगे। आग लगा देगा पुराने फर्नीचर को? आग लगा देगा? अरे फर्नीचर को आग लगाता है क्या? अच्छा कोई आग लगाता है? कोयला है तो आग लगा देगा। अरे हमको दे दो, हमारा आंटी है बड़ा मिस्कीन है बेचारा, बड़ा मासूम है, उनका काम आ जाएगा। अरे बाबा तुम तो अमीर है ना, जाओ तुम दे दो। अब हम जा रहा है, ठीक है हम तुम लोगों को ना देख लेगा। अरे बाबा हम तुमको नहीं देखेगा, पकड़ो इसको। निकल आ गया इधर, मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? बच्चू भाई आप तो अंदर आओ। हाँ बाबा छोड़ेगा नहीं हम जाने इसको, रुको। अरे एक बार फिर सोच लो, इतना सारा फर्नीचर है क्या करोगे उसको, आग कहे लगाओगे? तो बात तो सुनो। अरे बाबा तुम फिर आ गए। अब मैं कह रहा था इतना सारा फर्नीचर है कहाँ आग लगा रहे हो, गर्मी मरनी हो जाएगी घर में। अभी हम तुम्हारे आग लगाते हैं हर जगह, जरा सबर करो। मुड़ो मुड़ो बाबा। हाँ ये हल्की मारना दुकान पे जाना इसने, चलो अंदर। अरे बाबा निकाल दिया बेइज्जती करके। बच्चू ये शोर किस चीज का था? बदमाशी कर रहा था। हम किसी से कम है क्या? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई खैरियत तो है, ये आपके घर से इतनी शोर की आवाज क्यों आ रही है भाई? आप भला क्या हमारे घर की दीवार के साथ कान लगा के बैठे हुए थे क्या? अरे भाई पड़ोसी हूँ ना, पता चल जाता है तभी तो लोग मुझे मोहल्ले की दाई कहते हैं। अरे ये सब कुछ छोड़ो, अब ये बताओ कि नया फर्नीचर कैसे आएगा? अरे मैं दिला दूंगा, मेरा साला यही काम करता है। अरे लो फिर मसला ही हल हो गया, फटाफट उसको बुला ले। अभी लो ये लो। हेलो प्यारे साले, हाँ एक जगह दिहाड़ी है, हाँ फर्नीचर चाहिए, पर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके ओके बाय। ले जी आपका काम हो गया और ये लोकेशन भी भेज दी, ठीक है? शुक्रिया शौकत भाई। अरे भाई ये भाई भाई मत बोला करो भाई। शौकत भाई आपने जो ना हमें लुटने से बचा लिया बाबा, वरना जो पहले वाला आया था ना वो बहुत बुरा आदमी था, दिल का भी और आंखों का भी बाबा।
अरे भाई ये जिसको बुलाए ना ये तो बहुत शरीफ निहायत शरीफ इंसान है भाई। हाँ बाबा कैसे नहीं होगा आपका साला जो है। अरे भाई ये देखे कॉल भी आ गई। हेलो हाँ प्यारे साले। अरे भाई यही घर तो है। हाँ दरवाजा खुला हुआ है आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ खुला रहता आ जाओ आ जाओ। ले भाई काम हो गया और वो आ भी गया भाई। वाह भाई वाह वाह भाई ये शौकत भाई इतनी क्विक सर्विस आपकी। अरे क्या बात है क्या। अच्छा अब तुम लोग को कल आ गई। हाँ हमारा प्यारे बहनों से हमको फोन करके हमको बुला रहे हैं। तुम फिर आ गए। यही है वो घटिया इंसान। ये आपका साला है। हाँ क्यों क्या हो गया। अरे बाबा कुछ नहीं हुआ इधर आओ बाबा बैठो इधर आओ। कुछ नहीं बनाओ आप चाय पिला दो। हाँ अभी पिला दे जानी। वन बाबा टू बाबा थ्री। कौन है ये बदतमीज औरत। बदतमीज मालकन है हमारी। क्या ये मालकन है तुम्हारी। इसे तो खुद तमीज सीखने की जरूरत है। लेकिन अभी तो मैंने नाश्ता किया था तुमने खामखा तकल्लुफ किया। अरे नहीं अम्मी जान वो तो आपने सुबह किया था पूरे 5 मिनट पहले। अभी दूध पी ले आपका दूध का टाइम है। जीते रहो खुश रहो अल्लाह तुम्हें भाग लगाए। ये वो लड़की खबरदार अगर एक गलत लफ्ज तूने अपने मुंह से निकाला तो चप्पल निकाल के ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। वो मैं जाने की बहन है आप। अच्छी बात है बाबा अच्छी बात है। नहीं नहीं मैं जाने की अम्मी हूँ। अम्मी नहीं 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 अरे बाबा आप किसी भी तरह से किसी भी जाविये से अम्मी तो लगती नहीं है ना। मेरे को आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो। बाबा साहब मुझे इनकी बेटी बनना है। सच्ची जी बाबा सही। वाह 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 हो जाएगा होगा होगा। जाओ तो बस जल्दी जाओ जाओ अभी जल्दी जाओ जाओ। बाकी हाँ जाओ। बाबा जो मैं देख रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। क्या वाकई मैं आपसे क्या झूठ बोलूंगा। बाबा इसका कुछ हल तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल रहम करें मुझ पे। नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा जो नो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा बिजनेस में घाटा ज्यादा बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा।